सिर देख रहे हो मेरा खलवाट, खोपड़ी पर एक भी बाल नहीं है। तुम्हारे डंडे का वार इसके ऊपर भरपूर पड़ेगा, मार सको तो मार लो, मगर भोसड़ी के शर्मा तुम काशी की परंपरा और संस्कृति को बदलना चाहते हो? तुम्हारी हैसियत ही क्या है जो तुम हजारों हजार साल से चली आ रही काशी की संस्कृति और परंपरा को बदल सको? तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने दरोगा दरोगी आए और गए, मगर काशी की संस्कृति और परंपरा कायम है और कायम रहेगी। अंग्रेजी कंगोट पर बैठकर झाड़ा करने वाले शर्मा, तुम क्या जानो कि भांग का संबंध दिव्य निपटान से है, दिव्य निपटान का संबंध तन और मन से है, तन और मन का संबंध मानव अस्तित्व से है, और मानव अस्तित्व का संबंध अस्सी से है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दरोगा कि तुम महाकाल के भोग को नशा कहो? इससे पहले कि ये लोग धार्मिक उन्माद फैलाए, निकल लो, चलो। और सब ठीक बहनी? हाँ, राम राम। राम राम। कैसी हो सवित्रा बहनी? आओ राम दे। कहाँ किसान लिए होते, सुबह सुबह काम छोड़ के तुम्हारी सेवा करें हम, हैं? जाओ जाके कपड़े पहन। अभी तक ऐसे ही खड़े हो? चलो जाओ जाके छत पे खेलो। जाओ चलो छत पे खेलते हैं। और कहो रामदेव। का कहे सवित्रा बहनी, तुम तो देख ही रही हो महंगाई कितनी बढ़ गई है। खाने वाले पांच मुंह और कमाने वाला एक, कंपटीशन भी कितना बढ़ गया है। मल्लाहों को आजकल मिलता है क्या है? घाट घाट पर सैर कराने का ठीक ठाक पैसा मांगो तो कहते हैं लूट रहे हैं तीर्थ यात्रियों को। पर विदेशी यात्री तो दिल खोल कर दे रहे हैं। मोहल्ले के मल्लाह खटिक और कर क्या रहे, लूट ही तो रहे विदेशियों को कोठरियां किराए पर दे देकर। तुम भी एक किराएदार रख लो रामदेव, जैसे रामधन मल्ला ने एक अंग्रेजन को रखा है। अरे इन अंग्रेज औरतों को तुम नहीं जानती बहना, बड़ी वो होती हैं। तो आदमी रख लो है। बहना तुम भी ना। कब पालेगी चाची, भीतर आए? बिल्कुल नहीं, कोई फोटो वोटो नहीं खिंचाना हमें, निकला यहाँ से। थैंक यू, वेलकमिंग यू, बट एंट्री लेटर, लेडीज बिजी इन डेली पूजा। कम आई विल शो यू मंकी गॉड टेंपल, ब्यूटीफुल बिग वन। जब देखो घर में घुसने के बहाने ढूंढता रहता है, रास्ते में मिलो तो ऐसे कूदा जैसे खा जाएगा हमको। क्या बात कर रही है? पाणे जी, सूरज चढ़ाया है पर अभी तक जजमान नहीं आया चकाचक। उपाध्याय जी, देने वाला ऊपर वाला। संभल के रहना, ये मोहल्ला अस्सी है, यहाँ शंकराचार्य को भी चुनौती दे देते हैं साले। जी भैया। चौबे जी, लहसुन प्याज मांस मछली तो नहीं खाते? जी खाना तो दूर, हम तो छूते भी नहीं। याद रखिए, इस मोहल्ले में मलेच्छों के लिए कोई जगह नहीं है। दुबे चौबे उपाध्याय तिवारी, बाहर निकलो और देखो धर्म का कैसे नाश हो रहा है। पहले ही कहा था कि मलेच्छों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं, मत उठा अपनी कोठरियां किराए पर। अब देखो घुस आया ना कोई विधर्मी मोहल्ले में। सुनिए जी, धर्म के मामले में तुम चुप ही रहो जी, जाओ भीतर जाओ। क्या बात है पांडे जी? क्या बात है, बुलाओ मोहल्ले के सभी ब्राह्मणों को और पूछो कि जिस मोहल्ले में कोई ब्राह्मण लहसुन प्याज नहीं खाता वहां हड्डी कहां से आई? हड्डी? भैया पांडे को राम मचा रहा है, उसका अपमान कर रहे हैं ये साले। मरे जा रहे हो मांस मच्छी के बिना, तो कहीं और रहो। कितनी बार तुमसे कहा कि हड्डियां दूर फेंक कर आया करो, पर तुम लोग सुनते ही नहीं हो। किसका किराएदार है? बुलाओ सभी किराएदारों को। ऐसे विधर्मी को बाहर निकालो। पालकी, कहाँ है हड्डी? ओए लौंडे, रंग मत जमाओ, तुम चौबे के किराएदार हो ना? हाँ पांडे जी। याद हो ना
नहीं ठाकुर हैं। तब तो खूब मांस मछली खाते होगे। मांस मछली खाने वाले को हम कोठरी कैसे दे देंगे पांडे जी? तो फिर ये हड्डी कहां से आई? ये मुर्गे की है या चूहे की? ये चूहे की लग रही है तुमको? आप मुर्गा खाते हैं क्या? देखो कैसी बात कर रही है लौंडा। हम खाते नहीं तो जानते भी नहीं क्या? ये सूखी लकड़ी की तरह एकदम चूहा है। ये चील गिद्ध बास कोए न जाने कहां कहां से लाते हैं, खाकर यहाँ गिराते हैं। कई बार हमने ऐसी हड्डियां यहाँ वहां देखी है। पांडे जी, चील कौवा उड़ाने के लिए मोहल्ले के किसी आदमी को बैठा दिया जाए तो सारा झंझट ही खत्म हो जाए। बहुत बौद्धिक बलवा मचा रहे हो। अब यहाँ चील कौवे को उड़ाने के लिए कौन बैठा रहेगा? जो चील कौवे को इस मोहल्ले में हम घुसने ही ना दे तो? चलो फूटो यहाँ से। चलो, चलो। जरूरी था लड़ना? अब तुम मत शुरू हो जाओ। क्यों ना शुरू हो, लड़े आप और गली मोहल्ले की पढ़ाइनों के ताने सुने हम। अरे शंकराचार्य हैं क्या आप?